अभी आप जिस आदमी को लड़कियों के साथ ठुमका लगाते हुए देख रहे हो, इसका नाम बिना नाड़े का पजामा है और ये इतना खतरनाक निंजा है कि इसको देखकर सामने वाले की पतलून गीली हो जाती है। कई करोड़ों साल पहले जापान में मुठबाज लोगों को शक्तिशाली और दुनिया में अपनी अस्तित्व बजाय रखने के लिए एक फॉर्मूला का आविष्कार किया गया था जिसका नाम था निंजा ट्रेनिंग। उनमें से एक गुरुजी ने कहा था कि कई करोड़ों साल बाद एक सफेद चमगादड़ बहते हुए जापान आएगा जो कि जापान का सबसे बड़ा द व्हाइट निंजा बनेगा। होता भी ठीक ऐसा ही है। एक दिन एक सफेद बच्चा एक बॉक्स में तैरते हुए जापान आता है, लेकिन समय के साथ साथ उसकी कठोर प्रैक्टिस को देखकर बाबा च्यवनप्राश जान जाते हैं कि हजार साल पहले उस आदमी ने भांग पीकर ये सब कुछ कहा था। ट्रेनिंग के दूसरे पड़ाव में सभी को कोयले की आंच में अपने हाथ सेकने का काम दिया जाता है जिस आग से वो कैप्सिकम और चिकन कबाब बनाकर खाता है। आगे तीसरे ट्रेनिंग में उन्हें एक लोहे की रस्सी को अपने चारों तरफ बबंडर की तरह घुमाना पड़ता है जिसमें वो काफी अच्छी तरीके से उसे घुमाता है, लेकिन आखिर में वो शहीद होते होते बच जाता है। इसके बाद ट्रेनिंग का चौथा पड़ाव मेरा लाल दुपट्टा मलमलका में उन्हें कुछ पेपर के ऊपर चलकर कुंफू दिखाना था। इसमें वो सारे कागज को अपने तन बदन में लपेट लेता है। पांचवे पड़ाव में उन्हें एक उबलते हुए पानी के कढ़ाई को अपने हाथ से उठाना था, लेकिन इसमें भी वो विफल हो जाता है और उस गर्म पानी से सभी निंजाओं की पतलून गीली कर देता है। अगले दिन उन सभी को लेकर एक मीटिंग बुलाया जाता है। बाबा च्यवनप्राश कहते हैं, साउसिंग सुंग सांग जुमाटो स्विगी जिंदाबाद, यानी मुझे तुम सबकी गुरुजी बनकर काफी गर्व महसूस हो रहा है। अब से तुम सभी निंजा हो और तुम सबको एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए आत्मा कॉलिंग का इस्तेमाल करना सीखना होगा। जिसके बाद बाबा च्यवनप्राश उन सभी को गूगल मीट की तरह आत्मा कॉलिंग करने के लिए ऊपर बादल में लेकर जाते हैं। यहाँ पर भी बिना नाढ़े का पजामा खुले सांड की तरह घूम रहा था और वो बाबा च्यवनप्राश की इम्पोर्टेंट मीटिंग को मिस कर देता है। बाबा च्यवनप्राश उन्हें समझा देते हैं, तुम सभी को अगर कोई दिक्कत हो तो तुम सभी लोग आत्मा कॉलिंग के द्वारा मेरे साथ बात कर सकते हो। आगे उन सभी को उन सभी का आधार कार्ड यानी बैच दिया जाता है। बाबा च्यवनप्राश उनके बेटे जिम्बो को सोने का बैच देते हैं क्योंकि वो उन सभी में से सबसे मेहनती और सबसे स्किल निंजा था। जिसके बाद सभी को पीतल का बैच दिया जाता है, लेकिन बिना नाढ़े के पजामे को बाबा च्यवनप्राश स्टील का बैच भी नहीं देते। रात में सभी निंजाओं को जश्न के लिए लेकर जाया जाता है। रुकिए बाबा च्यवनप्राश, मैं कितने सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। नहीं बिना नाढ़े का पजामा, ये पार्टी सिर्फ उन्हीं निंजाओं के लिए है जो इम्तिहान में पास हो पाया है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर ही महल की चौकीदारी करनी होगी। जी बाबा च्यवनप्राश, मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से महल की हिफाजत करूंगा। जिसके बाद बाबा च्यवनप्राश सभी निंजाओं को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो काले सुअर की तरह काला हुडी पहन लेता है और स्टील की तलवार से खेलने लगता है। वो अपना पूरा जोर लगाता है जिससे उसका नीचे का तो पता नहीं पर कपड़ा फट जाता है। वो सबको बताता है कि ये खतरों से भरा हुआ है, कृपया घर पर करने की कोशिश ना करें। जिसके बाद वो एक डंडी लेकर शीशे की माँ बहन एक कर देता है। इसी बीच वहाँ पर मेरा नाम मैरी है, मैरी 100% तेरी है आती है। एक्सक्यूज मी, क्या ये टाका गुरु दोजो है? आई एम सॉरी, लगता है मैं गलत जगह पर आ गई हूँ। नहीं नहीं प्लीज रुको, जाओ मत। जिसके बाद वो उसकी चप्पल उतार देता है। अच्छा, मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर निंजा मिल सकते हैं। हाँ आइए, पहले बैठिए। अब जब वो बैठने के लिए जाती है तभी बिना नाढ़े का पजामा वहाँ पर एक नुकीली स्टार को देखता है जिसको वो उठाकर पीछे फेंक देता है और पहली बार उसके हाथों से वो एक दीवार में जाकर अटक जाता है। ओ तो आप ही है वो निंजा? हाँ मैं ही तो हूँ, लेकिन तुम तो गोरे हो, मैंने सुना था निंजा काले होते हैं। तुम खूबसूरत के साथ साथ स्मार्ट भी हो, मेरे चमड़ी के कलर से धोखा मत खाओ। तुमने उस गोरे चमगादड़ के बारे में नहीं सुना जो अब तक का सबसे ग्रेट द व्हाइट निंजा बनेगा? रुको, मैं तुम्हें हमारे 1.5 करोड़ साल पुरानी डिक्शनरी में दिखाता हूँ। जिसके बाद वो एक मेनू कार्ड निकालता है जिसमें अब तक के सारे महान निंजाओं की बायोग्राफी लिखा हुआ था। काफी ढूंढने पर भी उसे उसका नाम कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी मेरा नाम मैरी है, मैरी 100% तेरी है देखती है कि उस मेनू कार्ड में आग लग गया था, इसलिए बिना नाढ़े का पजामा वहाँ पर मौजूद गधे के मूत को फेंक कर उस आग को बुझाता है। जिसके बाद वो उसे पूछता है, प्लीज बताओ तुम यहाँ पर क्या करने आए हो मेरे इस टाका गुरु दोजो में? देखो मैं तुम्हें बता दूं, जो भी मैं काम तुम्हें देने वाला हूँ वो काम खतरों से भरा हुआ है। खतरा ये किस चिड़िया का नाम है? तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ, क्योंकि इन मेटल्स के हथियार को चलाने में मैं मास्टर हूँ। जिसके बाद वो उसके सामने भर भर के उठपटांग हरकतें करके अपनी बहादुरी दिखाता है। तो बताओ तुम्हें किस लिए एक निंजा की जरूरत है? मैंने सुना है निंजा किसी भी जगह पर बिना दिखाए जा सकते हैं, क्योंकि मैं जो काम करवाने जा रहा हूँ वो सीक्रेट होनी चाहिए। जिसके बाद वो उसके साथ छुपन छुपाई गेम खेलता है और फिर बिना नाढ़े का पजामा कहता है कि मैं तुम्हारे इस खतरनाक चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मुझे करना क्या होगा? मेरे पति कई दिनों से घर वापस नहीं आ रहे हैं, शायद वो किसी झोल झमेले में शामिल है, तो तुम्हें वो पता करना होगा। जिसके बाद वो एक पता लिखकर उसे देती है और फिर वो वहाँ से निकल लेती है। अगले ही दिन
वो एक काला बुरखा पहनकर उस पते पर पहुंच जाता है। गेट के सामने जब वो निगरानी कर रहा था तभी उसकी टोपी गेट में अटक जाता है और वो लटक कर झाड़ियों में चला जाता है। अब क्योंकि सामने वाला गेट बंद हो चुका था इसलिए वो एक चप्पू में बैठकर नदी से होकर गोदाम के अंदर चला जाता है। इधर हम मेरा नाम मैरी है, मैरी सौटक का तेरी है के हस्बैंड स्टैनली को देखते हैं, जिसने डुप्लीकेट नोट छापने के लिए एक गैंगस्टर से नोट प्लेट ऑर्डर किया था, लेकिन उसे सिर्फ एक ही साइड की नोट प्लेट डिलीवरी होता है इसलिए वो उस डिलीवरी बॉय को टपका देता है। इधर बिना नाढ़े का पजामा छुप कर ये सब कुछ सुन रहा था, तभी वो लाश उसके चप्पू में आकर गिरता है जिससे उसकी फटकर 64 हो जाती है और वो लाश को चप्पू की सवारी करवाने लगता है। तब तक गोली की आवाज से पुलिस भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो लोग बिना नाढ़े के पजामे को लाश के साथ देख लेते हैं। वो वहां से भागकर एक कूड़े कचरे के अंदर जाकर छुप जाता है जिससे पुलिस उसे पकड़ नहीं पाते। आगे वो बाबा चवनप्रास से कहता है, गुरुजी इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, उस भोली भाली लड़की को मेरी मदद चाहिए। बाबा चवनप्रास उससे कहते हैं, मुझे तेरे ऊपर भरोसा है, जिसने आज तक एक मक्खी नहीं मार पाया वो कैसे इंसान को मार सकता है। लेकिन औरत का चक्कर बहुत खतरनाक होता है, मुझे तो लगता है कि उस औरत ने ही तुझे फंसाया होगा। नहीं, वो ऐसा खेल नहीं खेल सकती है, वो डव साबुन की तरह प्यारी है। गुरुजी मुझे किसी भी हालत में उसे बचाने के लिए जाना होगा, वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। लेकिन तुम उसे ढूंढोगे कहाँ पर? जिसके बाद वो अपने पास से उस टोकन को निकालता है जिस पर मेरा नाम मैरी है, मैरी सौटक का तेरी है उसे उसके हस्बैंड का पता लिख कर दिया था। बाबा चवनप्रास सोचते हैं कि ये यहाँ पर रहकर क्या उखाड़ेगा, इसलिए अगले ही दिन वो अपने दोस्त भाई और परिवार को अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगता है। बाबा चवनप्रास उसे कुछ सोने की पुड़िया देते हैं और कहते हैं कि बिना नाढ़े का पजामा इसे तुम तभी इस्तेमाल करना जब तुम्हारे पास पैसों की कमी हो। आगे बाबा चवनप्रास उसकी भूतिया हरकतों को देखकर समझ जाते हैं कि ये जरूर पीट कर आएगा, इसीलिए वो जिम्बो को भी उसके पीछे उसकी रक्षा करने के लिए भेजते हैं, लेकिन जिम्बो को वो उससे छुपकर रहने के लिए कहते हैं। आगे जब वो नाइटी पहनकर एयरपोर्ट पहुंचता है तभी मेटल डिटेक्टर वहां पर बजने लगता है, जिससे वो वहां पर अपनी निंजा टेक्निक हथकंडी चलाने लगता है, जिस वजह से सिक्योरिटी ऑफिसर उसे अपने मोबाइल फोन को बाहर रखने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि वो अपनी नाइटी के अंदर से ढेर सारे हथियार निकालता है और उनके सामने उसे चमकाने लगता है। इसके बाद फ्लाइट में वो एक बच्चे से कहता है, मुझे पता है कि तुम ये जानना चाहोगे कि मैं नाइटी पहनकर कहां पर जा रहा हूं, मगर आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता क्योंकि मेरी आइडेंटिटी मिस्ट्री रहनी चाहिए और मेरा मिशन सीक्रेट। मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि मैं एक निंजा हूं और मैं किसी की भी जान ले सकता हूं। ये बात सुनकर वो बच्चा काफी डर जाता है और वो अपने बाप को बुलाकर लाता है जो उसे एक जोरदार मुक्का खिलाता है। आगे वो नाक में रुई डालकर अमेरिका पहुंच जाता है और एक कार को किराए पर लेता है, लेकिन कार में बैठते ही सीट बेल्ट उसे जकड़ लेता है और वो सोचता है कि किसी ने उसके ऊपर हमला किया है, इसीलिए वो एक चाकू निकालकर उस कार के पर्दे को फाड़ देता है। वो उस होटल तक पहुंच जाता है जहां पर मेरा नाम मैरी है, मैरी सौटक का तेरी है रुकी हुई है। दरवाजे में वो अपने चप्पल को उतार देता है और मोजे पहनकर होटल के अंदर जाता है। उधर एक सफाई वाला बुढ़ा आकर उसके जूते को कूड़ा समझकर अपने साथ लेकर जाता है। इधर वो होटल के रिसेप्शन से पूछता है कि क्या यहाँ पर मेरा नाम मैरी है, मैरी सौटक का तेरी है नाम की कोई लड़की रुकी हुई है, जिसमें वो आदमी कहता है, नहीं सर यहाँ पर इस नाम की कोई भी नहीं है। अच्छा, मैं आपके होटल में एक रूम लेना चाहूंगा, इसका कॉस्ट ज्यादा है क्या? हाँ सर, गांव के झोपड़ियों के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा है और हम चिल्लर नहीं लेते। जिसके बाद वो उसके सामने सोने की वो पुड़िया खोल देता है जिसको बाबा चवनप्रास ने उसे इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए कहा था। अब इतने सारे पैसों की वजह से उसे रूम मिल जाता है। उगांडा का एक जानवर उसे उसके रूम तक लेकर जाता है, जहां पर जाते ही वो कुत्ते की तरह पूरे रूम को सूंघने लगता है क्योंकि वो एक निंजा है। उसकी ऊटपटांग हरकतों को देखकर उगांडा का वो जानवर कहता है, सर क्या आप कोई मकड़ी वकड़ी है? मकड़ी? मकड़ी तो कुछ भी नहीं होता एक निंजा के सामने। निंजा? आप निंजा हो? क्या बात कर रहे हो, आप निंजा हो? यस आई एम निंजा। जानते हैं, मैंने भी कुछ कराटे लेसन लिया है, मैं भी उड़ते हुए अंडे से ऑमलेट बना सकता हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे कोई भी बेल्ट नहीं दिया बल्कि एक नाढ़ा दिया, वो भी बड़ा सा नाढ़ा। जिसके बाद वो थैली भरकर जो हथियार लाया था वो उसे दिखाता है, जिसको देखकर उगांडा का वो जानवर हैरान हो जाता है। वाह, आप तो करतब भी दिखाते हैं, शायद आपको ब्लैक बेल्ट मिला होगा। मेरी ब्लैक बेल्ट की ब्लैकनेस इतनी डार्क है जैसे मूनलेस नाइट पर होती है। जानते हैं सर, मैं इस जालिम दुनिया पर रहकर तंग आ चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे निंजा की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हें घोर तपस्या करना होगा क्योंकि निंजा बनना कोई बच्चों का खेल नहीं। जिसके बाद वो उसके गुरुजी बनने के लिए तैयार हो जाता है और उसे निंजा बनने के लिए एक से एक बढ़कर नुस्खा सिखाता है। इस कठोर तपस्या को प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें पहले मुर्गियों के ऊपर इसको आजमाना होगा। जिसके बाद वो हर आते जाते लड़कियों की मुंह दिखाई करके मेरा नाम मैरी है, मैरी सौटक का तेरी है को ढूंढने लगता है। इसी बीच उसे काफी लड़कियों की जूते चप्पल और गालियां भी खाना पड़ता है। दूसरी तरफ जिम्बो
वो भी उसकी रक्षा करने के लिए उसके ऊपर नजर रख रहा था। इधर हम मेरा नाम मैरी है, मैरी सौटक्का तेरी है को देखते हैं जो उसी रास्ते से होकर आ रही थी, तभी उसकी कार पंचर हो जाती है, इसलिए वो कार से उतर जाती है। इसी बीच उसकी टक्कर बिना नाड़ी के पजामे की 2 किलोमीटर लंबा पिछवाड़े से होता है। अरे बिना नाड़ी का पजामा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी तलाश में ही यहाँ पर आया था। तुमने बताया था ना कि तुम्हें एक निंजा की जरूरत है। नहीं नहीं, अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है, जो कहकर वो अपने पति के पास जाने लगती है। बिना नाड़े का पजामा सोचता है कि वो उसके पति को देखकर नाटक कर रही है, तभी वो एक खंभे में जाकर टकराता है। इसके बाद से वो उसकी हिफाजत करने के लिए उसके ऊपर नजर रखने लगता है। उन दोनों के पीछे पीछे वो एक नाइट क्लब तक पहुँचता है, जहाँ की लड़कियाँ उसे लुभाने की कोशिश करती है और वो भी उनके सामान को देख कर उनके साथ ठुमका लगाना शुरू कर देता है। एक लड़की अपनी करीना कपूर को हिलाती है, जिसको देख कर उसका इमरान हाशमी वाइब्रेट होने लगता है। आगे वो उन लड़कियों को और भी गंदे गंदे इशारा करता है, जिस वजह से कुछ बाउंसर उसे पकड़कर नाइट क्लब से बाहर फेंक देते हैं। इधर हम स्टैनली को देखते हैं, जो और एक कंपनी से डुप्लीकेट नोट का प्लेट ऑर्डर किया था, लेकिन इस बार भी वो डिलीवरी बॉय उसे चूना लगाने की कोशिश करता है, इसलिए वो उन दोनों डिलीवरी बॉय को मार देता है, जिसके बाद उन दोनों की लाश बिना नाड़े के पजामे के सामने आकर गिरता है। देखो देखो, उसने मारा है। नहीं, मैंने नहीं मारा, मैं तो निर्दोष हूँ। अगली सुबह न्यूज नेशन की टीम भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इन मर्डर की जिम्मेदार उस मोटे निंजा के ऊपर थोप दिया जाता है। बिना नाड़े का पजामा थक हार कर अपने होटल पहुँचता है, जहाँ पर वो उगांडा के उस जानवर को देखता है जो कि मुर्गी चोरी करके निंजा बनने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। इस बार भी वो अपने जूते को होटल के बाहर खोलकर अंदर जाता है और वो पोछे वाले बुढ़ा आकर उसे लेकर जाता है, जिसके बाद वो बालकनी में आकर बाबा चबनब्रास को आत्मा कॉलिंग करता है। बाबा मुझे माफ करना, लेकिन मुझे फिर से 2 और मर्डर की इल्जाम लगा है। सत्यानाश हो तेरा, तू मेरी निंजा कंपनी का नाम डुबा कर ही छोड़ेगा। तभी आत्मा कॉलिंग का नेटवर्क कमजोर होने की वजह से आत्मा कॉलिंग डिस्कनेक्ट हो जाता है और उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस आ जाता है। आगे वो मेरा नाम मैरी है, मैरी सौटक्का तेरी है के घर पहुंच जाता है, जहां पर उसके कुत्ते को वो पहले चिकन खिलाता है, लेकिन उस कुत्ते को तो काला सुअर खाना था, इसलिए वो मुंह धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। हम जिम्बो को देखते हैं, जिसने अभी तक बिना नाड़े के पजामे का साथ नहीं छोड़ा था और वो उस कुत्ते को एक रस्सी से पकड़ लेता है। इसी बीच बिना नाड़े के पजामे को मेरा नाम मैरी है, मैरी सौटक्का तेरी है के कार में एक लेटर मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसने उसका नाम गलत बताया है, जिस वजह से बिना नाड़े का पजामा मेरा नाम मैरी है, मैरी सौटक्का तेरी है के ऊपर नाराज होकर उसके रूम जाने लगता है। वो एक रस्सी को ऊपर की तरफ फेंकता है, जो कि एयरटेल के छतरी पर जाकर अटकता है और वो छतरी सीधा उसके सर पर आकर गिरता है। इसके बाद वो फिर से ट्राई करता है, तब तक ऊपर जिम्बो भी आ चुका था और वो हुक उसके पैर में जाकर अटक जाता है। बिना नाड़े का पजामा आई बाई ना देखे ही चढ़ाई शुरू कर देता है और काफी ऊपर तक चढ़ने के बाद जिम्बो का हाथ छूट जाता है, जिससे वो नीचे और बिना नाड़े का पजामा मेरा नाम मैरी है, मैरी सौटक्का तेरी है के कमरे के बाहर आकर गिरता है। झूठी मक्कार, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने कहा तुम्हारा नाम मेरी सौटक्का तेरी है, लेकिन मैं असलियत जान चुकी हूँ, तुम्हारा नाम एलिसन पेज है। देखो, मैंने तुम्हें इसलिए झूठ कहा ताकि हमारा प्लान कोई पकड़ ना सके। मेरी बहन काला स्टैनली के लिए काम करती थी, लेकिन एक दिन उसकी अचानक मौत हो गई, इसीलिए मैं यहाँ पर जानने के लिए आया हूँ कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड स्टैनली आ जाता है, जिस वजह से मेरा नाम मैरी है, मैरी सौटक्का तेरी है यानी एलिसन पेज उसे घर के अंदर छुपा देती है। उसके जाने के बाद बिना नाड़े का पजामा बिस्तर के ऊपर से गिरता है। दूसरी तरफ स्टैनली फिर से डुप्लीकेट नोट प्लेट की डिलीवरी लेने के लिए एक रेस्टोरेंट पर जाता है, जहाँ पर वो जब डिलीवरी बॉय के साथ बात कर रहा था, तभी वहाँ पर बिना नाड़े का पजामा खाना लेकर आता है और वहीं पर ही उनके टेबल में खाना पकाने लगता है। वहीं एक स्टाफ को देखकर वो भी अपने हाथों का कला दिखाता है, जो उसके हाथ से फिसलकर एक बुढ़िया के सर पर जाकर लगता है। इसके बाद वो चिंगड़ी मछलियों को भी उछालता है, जिसमें एक हफ्सी मछली वहाँ पर एक लड़की के ब्रा के अंदर घुस जाता है। वो उसे बाहर निकालता है और उसे बड़े ही चाव से सूंघता है। बाहर हम एलिसन को देखते हैं, जो बिना नाड़े के पजामे का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे केटीएम लेकर पहुँच जाते हैं। उनके पास छोटे छोटे गन भी थे, जिनको लेकर वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर स्टैनली के ऊपर हमला करते हैं, जिससे वहाँ पर उन सभी के बीच हाथापाई होने लगता है, लेकिन वहाँ पर किसी की भी मौत नहीं होती। इसी बीच वहाँ पर एलिसन आकर बिना नाड़े के पजामे को अपने साथ लेकर जाती है। आगे वो उसे अपने होटल रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर बिना नाड़े का पजामा कहता है, एलिसन, अगर मैं तुम्हारे पति स्टैनली को जापान में ही पकड़ लेता, तो आज तुम किसी बाथटब में शैम्पू, डब, साबुन और नारियल तेल लगाकर स्क्रब करके रगड़ रगड़ कर नहा रही होती। जो कहकर वो अपने कपड़े उतार कर सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह वो दोनों एक प्रिंटर दुकान में जाते हैं और उसके मालिक को मशरूम खिलाकर पागल कर देते हैं। थोड़ी देर बाद स्टैनली वहाँ पर आता है और वो बिना नाड़े के पजामे को उस दुकान का मालिक समझकर उसे पैसे छापने के लिए अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन वहाँ
पर पहुंचकर बिना नाड़े का पजामा पैसे छापने की ब्लेड को चोरी करके अपनी जेब में डाल लेता है। पर स्टैनली के सामने आते ही वो पकड़ा जाता है और स्टैनली उसे रस्सी से बांध कर कार के डिक्की में डाल देता है। इसके बाद गैंगस्टरों की मीटिंग शुरू होता है और वहीं दूसरी तरफ एलिसन आकर बिना नाड़े के पजामे को वहां से फ्री कर देता है, जिसके बाद वो उन सभी गैंगस्टरों को पकड़ने के लिए जाता है। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और वो दूर झाड़ियों में जाकर गिरता है। इधर स्टैनली एलिसन को पुलिस को कॉल करते हुए देख लेता है और उसे पकड़कर अपने साथ लेकर जाता है। अब बिना नाड़े का पजामा उसे बचाने के लिए अपने होटल जाता है और अपने आंडू जांडू हथियारों को सफेद नाइटी के अंदर डालकर एलिसन को बचाने के लिए जाने लगता है। उगांडा का जानवर भी जब उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है तब वो उसे भी इस खतरनाक मिशन में अपने साथ लेकर जाता है। इसके बाद वो दोनों फरारी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और पूरे अमेरिका को घूमकर उनके अड्डे तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर तब तक अंदर जाने का गेट बंद हो चुका था, इसीलिए बिना नाड़े का पजामा घिसड़ घिसड़ कर एक नारियल के पेड़ में चढ़ जाता है और अपने दोनों टांगों के बीच नारियल के पत्ते को फंसा कर उसे झूला झूलने लगता है। दूसरी तरफ उगांडा का जानवर उसे ये हैरत अंगेज कारनामा को करते हुए देख कर निंजा निंजा कहकर पुकार रहा था। इधर स्टैनली एलिसन को एक कमरे में बंद करके उसके सामने एक न्यूक्लियर बम रख देता है। तब तक वहाँ पर बिना नाड़े का पजामा पहुँच चुका था और वहाँ पर उन सभी गैंगस्टरों के साथ वो अकेला ही लड़ने लगता है, लेकिन वो लोग तादाद में काफी ज्यादा थे। तभी वहाँ पर जिम्बो ऊपर से टपक पड़ता है जो कि उसके ऊपर नजर रख रहा था। यहाँ पर वो दोनों मिलकर उन गैंगस्टरों की जमकर धुलाई करते हैं। बिना नाड़े का पजामा एलिसन को बचाने के लिए एक छोटा सा क्रेन लेकर जाता है और दीवार तोड़कर उस बम को डिफ्यूज कर देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसने बम का नहीं बल्कि टेलीफोन का तार काटा था। इधर जिम्बो उन गुंडों से पीट रहा था, इसलिए वो एलिसन को वहीं पर ही मरने के लिए छोड़कर जिम्बो को बचाने के लिए आता है। वहां पर वो उन गुंडों के ऊपर अपनी लतकंडियों को चलाकर उन्हें मार गिराता है। दूसरी तरफ उगांडा का वो जानवर भी रगड़ रगड़ कर नारियल के पेड़ में चढ़ जाता है और उसमें झूला झूलकर उन सभी के बीच में आकर गिरता है। तब तक वहां पर स्टैनली एक मशीन गन लेकर पहुंच जाता है और बिना नाड़े के पजामे के ऊपर धनाधन गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उसकी एक भी गोली बिना नाड़े के पजामे की लोहे की शरीर को पार नहीं कर पाता और वो उन सारे गोलियों को कैंडी क्रश की तरह काट डालता है। स्टैनली समझ जाता है कि यही है द ग्रेट व्हाइट निंजा, इसलिए वो वहां से जान बचाकर भागने लगता है। इधर वो न्यूक्लियर बम भी फटने ही वाला था, इसलिए बिना नाड़े का पजामा एक मिसाइल लॉन्चर चलाता है जो कि सीधा उस बम को लेकर स्टैनली के ट्रक में जाकर गिरता है, जिससे थोड़ी देर में वो ट्रक ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन स्टैनली किसी तरीके से बच जाता है। तब तक वहां पर पुलिस भी पहुंच जाते हैं और स्टैनली और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इधर जी न्यूज और न्यूज नेशन की टीम भी तब तक वहां पर आ चुकी थी और वो लोग इस मिशन का पूरा श्रेय निंजा को देते हैं। लेकिन हम देखते हैं उगांडा के उस जानवर को जो उनके सामने कहता है कि वही है द ग्रेट डार्क निंजा। आगे हम बिना नाड़े के पजामे को देखते हैं जो एलिसन के साथ मंगनी कर लेता है और उसे बाबा च्यवनप्राश निंजा की उपाधि भी देते हैं, जिसके बाद वो सभी को अलविदा कहकर अमेरिका के लोगों की सुरक्षा करने के लिए एलिसन के साथ वहां से जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं जिम्बो की व्हीलचेयर की रस्सी भी उनके ट्रक में ही लटका हुआ था, जिससे वो भी उनके साथ घसीट कर जाने लगता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।